राइट, सो दिस इज द क्लाउड। सो हम क्लाउड की बात कर रहे हैं, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लाउड क्लाउड की बात करते हैं तो कंप्लाइंसेस की बात करते हैं, लॉज रेगुलेशंस फीचर्स की बात करते हैं। तो देखो इसमें क्लाउड के अंदर हम जाते हैं तो सर हमारे पास में जो फीचर्स हैं, बहुत सारे फीचर्स हम की बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि जैसे सर इसमें हम सिक्योरिटी में आते हैं, अभी इस ऐसा नहीं होता है कि आपको सभी चीज़ आनी चाहिए कम्प्लीटली। एज बेस एज पर द टॉपिक वी कैन जस्ट डिस्कस अबाउट कि सिक्योरिटी के अंदर कौन कौन चीज़ आती है, कौन सी चीज़ कब बनती है। एक सिस्टमेटिक तरीका होता है काम करने का, राइट। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी क्रिएट कर दो उससे काम हो जाएगा आपका, एक सिस्टमेटिक वे होता है फर्स्ट, जिससे काम करने का तरीका होता है। तो हम इन चीज़ों को डिस्कस करने से पहले सर सिक्योरिटी फीचर्स हैं, स्टोरेज है सर, कंप्यूट है, एआई मशीन लर्निंग है, ओके। तो हमारे पास में नो मोर देन 1400 मोर देन 1000 सर्विसेज हैं इसके अंदर है, जो प्लेटफॉर्म के ऊपर है सर्विसेज ना। और हम जब ए डब्ल्यू एस की बात करते हैं तो ए डब्ल्यू एस पे भी अपने को मोर देन आई वुड से 1000 सर्विसेज, 1400 1500 नई सर्विसेज हैं अपने ऊपर ए डब्ल्यू एस के अंदर। तो हम ए डब्ल्यू एस की बात भी करेंगे, हम एजर की बात भी करेंगे, हम दोनों की बात करेंगे और कैसे कैसे काम करते हैं हम उन सब की बात करेंगे, राइट। और बिलिंग कैसे चेक करते हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं उनकी बात भी करेंगे, राइट। सो आप जब कॉर्पोरेट में काम करोगे तो आपसे कुछ चार पांच चीज़ें पूछेंगे, वो बताऊंगा मैं आपको भी। तो देखो इसमें फीचर्स ये सब होते हैं, दिस इज ऑल दोज फीचर्स इन टू द सेम। वीपीसी है, उसमें वीनेट है, इसमें वेफ है, उसमें डॉस प्रोटेक्शन है ना। तो देखो काम करने का तरीका चीज दोनों का सेम ही है, बट उनके फीचर अलग हो सकते हैं हाँ, सर, नेम डिफरेंट है ना। माइक्रो डिफेंडर है, इसमें देखोगे ना आप सर, ये डिफेंडर है, जैसे ये डॉस प्रोटेक्शन है ना। अब मैं सर सर बोलोगे सर मेरे को डॉस एंड डीडॉस प्रोटेक्शन करना है क्लाउड के अंदर, राइट। तो हम इसकी बात करूंगा। और जैसे आप ए डब्ल्यू एस में जाओगे सर तो इसमें अपने पास में वेफ एंड शील्ड है, दोनों का काम एक ही है। देखो डॉस एंड डॉस अटैक्स देख रहे हो आप, मॉलिशियस वेब ट्रैफिक की बात करते हैं, जैसे हाँ हाँ वीपीसी है, राइट। इसमें इसमें आप जाओगे तो आपको वर्चुअल नेटवर्क मिलेगा आपको, राइट। नेटवर्किंग में होगी, आपको वर्चुअल नेटवर्क्स मिलेगा। तो देखो काम करने का तरीका सभी क्लाउड का एक ही है, बट आपके फीचर्स चेंज हो सकते हैं, उनका यूज केस चेंज हो सकता है, राइट। सर इसमें हम वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करते हैं, देखो वर्चुअल नेटवर्क है ये, तो इसमें देखो चीज एक ही है, अलग अलग तरीके से क्रिएट होता है, और इसमें तुम्हारा वीपीसी क्रिएट होता है तुम्हारा। तो आपको बस सीशन समझना पड़ेगा कि दोनों के अंदर प्राइसिंग का कितना फर्क है दोनों में काम करने में, एंड सेकंड चीज की सर मेरे को कौन सी चीज कब क्रिएट करनी है, क्या सिस्टमेटिक तरीका क्या है काम करने का, शुरुआत कैसे करनी है, कहाँ से शुरुआत करनी है। क्योंकि सर इसमें तो मेरे को बहुत सारी सर्विसेज है, कंप्यूट में देखोगे आप तो लॉट्स ऑफ सर्विसेज है इसके अंदर, आप देखोगे डेटाबेस में बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। तो ऐसा नहीं कि आप सब कुछ स्टार्ट कर दो कम्प्लीटली, ओके। तो कहने का मतलब ये होता है कि मैं आर्किटेक्ट की बात कर रहा हूँ भी आपसे, ठीक है। तो ओके अब अभी आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जब कभी भी शुरुआत करते हो क्लाउड की, वंस यू आर टॉकिंग अबाउट, तो आपको जैसे ए डब्ल्यू एस वेल आर्किटेक्ट वेल आर्किटेक्ट फ्रेमवर्क की बात करते हैं, राइट। तो देखो सबसे पहले आपको सब चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, जैसे कि सर मैं कंपनी में काम कर रही हूँ, राइट। तो जैसे मैं मैनेजर हूँ, राइट। इफ आई एम गोइंग टू आस्किंग क्वेश्चन हियर दैट आई रिक्वायर द क्लाउड कंप्यूटिंग ए डब्ल्यू एस, सो मैं बोलूंगा कि रिया मेरे को पाँच चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग में हैं अभी, आप उन पाँच चीज़ों को ही मेरे को बेस्ट से बेस्ट चीज़ें बना के दीजिए। कहने का मतलब ये है कि मैं आपको बोलूंगा कि आप मुझे सिक्योरिटी, बेस्ट सिक्योरिटी होनी चाहिए, है ना, बेस्ट परफॉर्मेंस होना चाहिए, एजिलिटी होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, राइट। ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए एक्जैक्टली। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये सब चीज़ें मेरे को ऑपरेशन एक्सलेंस चाहिए, राइट। कि जैसे कि मैं क्लाउड कंप्यूटिंग में काम करूँ ए डब्ल्यू एस के अंदर, सो बेसिकली एबिलिटी टू डेवलपमेंट रन वर्कलोड्स एफिशिएंटली, गेन इनसाइट देयर ऑपरेशंस एंड कंटिन्यूस इंप्रूव सपोर्ट प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स होना चाहिए, राइट। सो ऑपरेशनल एक्सेलेंस की का आपको तरीका क्या है, क्योंकि सर जैसे रिया व्हाट हैपेंड कि आप एक अपना खुद का क्लाउड बनाओगे, एक आप बनाओगे मेरा क्लाउड देखोगे, तो है दोनों का एजो प्लेटफॉर्म, एडब्ल्यू एस प्लेटफॉर्म पर, बट आपका अलग तरीका काम करने का, मेरा अलग तरीका काम करने का तरीका है ना। तो ऑपरेशनल एक्सेलेंस की आप कंपनी के अंदर ऑपरेट कैसे करते हो, यानी सर मैंने तो जैसे मेरी बात करोगे सर मैंने तो अपना लोड बैलेंसर मैंने सेट कर दिया है ना, और आपने लोड बैलेंसर सेट नहीं किया है ना, या फिर मैंने कर दिया सर वेब एप्लीकेशन वाला लोड बैलेंसर सेट कर दिया, आपने सर टीसीपी वाला क्रिएट कर दिया, लोड बैलेंसर क्रिएट कर दिया। सो कौन सी चीज़ कहाँ पर सेट होनी चाहिए वो सबसे बेस्ट बेस्ट होता है ना।
कि डेवलपमेंट करना, एफिशिएंट हाँ करना, कि वर्कलोड को एफिशिएंटली मैनेज करना है, वो ऑपरेशन एक्सेलेंस में आता तुम्हारा। ठीक है, आपका जो लोड है, लोड को कैसा ठीक मैनेज करते हो। जैसे सर मैं बोलूँ कि मैं आपको कि सर मैंने बना दिया इसके अंदर वर्कलोड, बना दिया मैंने आपको, जैसे आप जाओगे इसमें नेटवर्किंग के अंदर, तो उसमें बहुत सारी सर्विसेज होती हैं। एंड मैं आपको ये बोलूँगा कि देखो आपको एप्लीकेशन का यूज़ है, तो आप एप्लीकेशन गेटवे बनाओगे आप, है ना। और सर अगर मेरा यूज़ है कुछ ओके नेटवर्क का यूज़ है, तो आप एक्सप्रेस राउट बनाओगे आप, है ना, नेटवर्क लिंक बनाओगे, प्राइवेट लिंक बनाओगे आप। ओके, ओके सो डिफरेंट डिफरेंट यूज केसेस पर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनती हैं, ऐसा नहीं कि हर चीज़ बन जाती है। सर एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेशन गेटवे, हाँ, समझ और वैसे टीसीपी रही। आईपी लोड बैलेंसर के लिए, यानी कि आपका ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए लोड बैलेंस बनता तुम्हारा, राइट, राउट करने के लिए। राउट करने के लिए, राइट। तो डिफरेंस होता दोनों के अंदर, राइट। सर दिस इज फॉर राउटिंग थिंग्स एंड दिस इज फॉर एप्लीकेशन गेटवेज। ओके, सो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, व्हाटएवर यू कैन से दैट, आते हैं इसके एग्जैक्टली चीजों के अंदर। सर, आप थोड़ा सा बता सकते हो एप्लीकेशन गेटवे के ऊपर? हाँ, एप्लीकेशन गेटवे तुम्हारा जो भी एप्लीकेशन पे तुम्हारा डाउट होता है ना ट्रैफिक, उसको बोलते हैं कि तुम्हारा ट्रैफिक कौन सा आएगा। सर एचटीटीपी, एचटीटीपीएस ट्रैफिक आएगा, राइट, समझ रहे बात को। सर मैं दिखाता ओके हूँ, डिफरेंट आपको डिफरेंस दिखाता हूँ, देखो वेट सेकेंड, आपको पूरा समझ में आ जाएगा इससे। जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा, बट अभी मैं आपको थोड़ा सा यूज केस बताता हूँ, एग्जैक्टली यूज केस की बात अच्छा, कर रहा हूँ, ओवरव्यू दिखा। ओके ठीक ओवरव्यू ओनली। है। सेकेंड, इट इज लिटिल स्लो। तो क्रिएट लोड बैलेंसर पे क्लिक करते हैं, है ना। तो अभी देखो इसमें मैंने आपको ये बोला हूँ, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, नेटवर्क लोड बैलेंसर एंड गेटवे लोड बैलेंसर। ओके, तो थ्री डिफरेंट टाइप के लोड बैलेंसर होते हैं। अब जैसे कि आप, मैं इफ यू आर टॉकिंग अबाउट के AWS की बात करता हूँ, सेम मैं बात करता हूँ एजोर के ऊपर भी ना, तो एजोर पर भी सेम चीज होती है। सर एप्लीकेशन गेटवे है, लोड बैलेंसर है ना, तो दोनों की बात करते हैं और दोनों का यूज केस क्या है। अब देखिए एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में क्या होता है, सर एचटीटी एचटीटीपीएस ट्रैफिक को ही हम फिल्टर करते हैं, राइट। क्यों सर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए मेरे को वेबसाइट खोलनी है, तो वेबसाइट तो एचटीटीपी एचटीटीपीएस के ट्रैफिक से ही तो आएगी, और कैसे आएगी बताओ, है ना, है ना, क्योंकि पोर्ट नंबर 443 आप समझ सकते हो। ओके, और एचटीटीपी एचटीटीपीएस ट्रैफिक होगा तुम्हारा, अगर वेबसाइट पे तुम्हारी है, डेवलपमेंट काम है वेबसाइट का है, यानी कि मैं कहता हूँ कि आप एक ऑनलाइन गेमिंग कंपनी की बात करते हो, राइट। सो आपके, मैं यूज़र हूँ, मैं एक्सेस करूँगा तो आपको ओके वेबसाइट के थ्रू ठीक एक्सेस है। करूँगा ना। आप सेकंड एग्जांपल की सर मैं, हाँ, एंड सेकंड एग्जांपल सपोज सर मेरी एक कंपनी खोलूँगी मैं अपनी, जैसे मेकअप होता है, राइट ना, जैसे गर्ल्स का मेकअप होता है, तो मैं ऑनलाइन सेलिंग करूँगी उसको, है ना, जैसे ओके अमेजोन कंपनी, जैसे अमेजोन है, ठीक फ्लिपकार्ट है, मंत्रा है, ऐसा। तो अपना खुद का एक, है। हाँ मैं अपना हाँ खुद का एक हाँ वेबसाइट बना हाँ के अपना खुद के प्रोडक्ट सेल करूंगी मैं, तो वो आपको आपको एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को सड़क पड़ना पड़ेगा वहाँ पर। क्यों, क्योंकि आपकी क्वेरी कहाँ से आ रही है, एसटीडी एसटीपी से ट्रैफिक आ रही है, एपीआई से रनिंग हो रही है। एग्जाम्पल जैसे कि सर मैं इसकी बात अच्छा करता हूँ, है ना, जैसे मैं एग्जाम्पल बोलूँ सर, जैसे ये है एक वेबसाइट है, राइट, अमेजोन की, राइट। अब इसकी ठीक आप अगर आप थोड़ा जानते हो उसके बारे में, तो मैं आपको बोलूँगा आप सीधा जाइए मोर टूल्स में जाइए, और डेवलपमेंट डेवलपर टूल में जाइए आप। ठीक है, अब इसमें क्या होता है सर, इसमें गेट और पुट रिक्वेस्ट होती है तुम्हारी, समझ लिया आप। इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल ये जावा रिक्वेस्ट है अपनी, है ना, तो इसमें होता है क्या है सर, इसमें गेट और पुट रिक्वेस्ट होती है तुम्हारी। तो जो भी ट्रैफिक तुम्हारा जा रहा है, वो तुम्हारा किसके थ्रू जा रहा है, डेवलपमेंट के थ्रू जा रहा है ना, वेब के थ्रू जा रहा है, तुम्हारा पैकेट जा रहा है तुम्हारा, एग्जैक्टली वही चीज़ है ना वेबसाइट के लिए। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर मैं एचटीटीपीएस करूँगा, यूज किस करूँगा। एंड सेकेंड थिंग की इफ आई एम टॉकिंग अबाउट नेटवर्क लोड बैलेंसर, सो मैं क्या करूँगा, टीसीपी और यूडीपी ट्रैफिक है, टीएलएस का ट्रैफिक है, तीनों के लिए मेरे को नेटवर्क लोड बैलेंसर क्रिएट करना पड़ेगा, है ना, समझ गए। क्यों, जैसे कि सर मेरे को केवल क्वेरी करनी है, मेरा मेरी कोई एपीएस नहीं है, मेरा नेटवर्क लोड बैलेंसर है, यानी नेटवर्क पर कितना लोड पड़ रहा है मेरा, है ना, कि वो सब चीज़ में आईपी एड्रेसेस और तुम्हारा टीएलएस ऑफलोडिंग, नेटवर्क लोड बैलेंसर्स, ऑल दोस कैपेसिटी बताएगा। और तीसरा यूज केस है कि गेटवे पे कितना लोड बैलेंस बन रहा है तुम्हारा। ठीक है, गेटवे कुछ नहीं होता, एक से बोलते हैं कि जो हमारा फ्रंट एंड आईपी एड्रेस होता है तुम्हारा, फ्रंट एंड आईपी एड्रेस, ठीक है, जैसे मैं फायरवॉल है तुम्हारा, है ना, फायरवॉल को ही गेटवे बोलते हैं ना, तो तुम्हारा फायरवॉल को ही हाँ, समझ गया आपका। है ना, तो तुम्हारे मेन के ऊपर कितना हो रहा है ना। अब मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ एक छोटा सा,
एग्जाम्पल समझते हो तो मैं बताता हूँ, इसको क्लोज करते हैं अभी। और वर्ल्ड बैलेंस आर्किटेक्चर, ओके, आप थोड़ा सा और इसको इन डीप में समझते हैं चीज़ों को, जहाँ समझ में नहीं आप बोल सकते हो मुझे, ठीक है, जहाँ समझ में आता है आप। अब देखो इसमें यूज़ केस क्या है, ठीक है ठीक यूजर्स है, आई मैं हूँ यार, राइट नाउ, ओके, और ये आपकी वेबसाइट है खुद की, ठीक है। तो मैंने, आपने क्या ओके किया, लोड बैलेंसर सेट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब मैं यूजर्स हूँ, मैंने खोला www.amazon.com, ओके amazon.com किया, सीधा लोड बैलेंसर पे गया, ठीक है। अब ये लोड बैलेंसर आपका एप्लीकेशन लोड ठीक बैलेंसर हो सकता है, नेटवर्क लोड बैलेंसर हो सकता है, तुम्हारा गेटवे लोड बैलेंसर हो सकता है, यानी थ्री डिफरेंट टाइप का हो सकता गेटवे है लोड बैलेंस ना। तो तुम्हारा ये आउटबाउंड ट्रैफिक, ठीक इसको बोलते हैं इनबाउंड है ट्रैफिक, ओके, इनबाउंड ट्रैफिक, दिस आउटबाउंड ट्रैफिक। सो ओके वंस द ट्रैफिक विल बी कमिंग, ये अपने आप इसको रेशियो मेथड के अंदर, डिफरेंट मेथड होते हैं तुम्हारे, रेशियो मेथड हो गया, वेटेड एवरेज मेथड हो गया, यानी कि अपने हिसाब से ये आपके ट्रैफिक को राउट करता है अपने डिफरेंट सर्वर्स के ऊपर, राइट। दिस इज द वे यू आर गोइंग टू डूइंग इट। सो देखो ये इसके यूजर्स हैं, इंटरनेट के थ्रू आ रहे हैं, ये तुम्हारा सॉफ्ट लोड बैलेंसर्स हैं, तुम्हारा हार्डवेयर लोड बैलेंसर, दो तरह के होते हैं तुम्हारे लोड बैलेंसर्स, ये अपने हिसाब से राउट करते हैं ट्रैफिक को एज पर रेशियो मेथड। रेशियो मेथड मतलब कि एक बार ट्रैफिक जाएगा इस सर्वर पे, सेकेंड टाइम दूसरे सर्वर पे, तीसरे टाइम तीसरे सर्वर पे जाएगा, है ना, वो तुम्हारा होता है एग्जैक्टली, इसको बोलते हैं रेशियो गई मेथड, राइट। ओके इसके जितने भी आप खोलोगे तो आपको सब कुछ में एक ही चीज दिखाई देगा एग्जैक्टली, कि तुम्हारा ये होता है एग्जैक्टली। देखो ये आपका ट्रैफिक आया, लोड बैलेंसर्स, नेटवर्क लोड बैलेंसर्स ने सीधा इस वाला लोड इस सर्वर पे भेजा ट्रैफिक, मतलब यही हुआ कि सर कि ये ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यस, लोड बैलेंसर काम यही होता है कि ये ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करता है, राइट। सर अगर ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं करे तो क्या होगा, एग्जाम्पल आपका क्वेश्चन होगा सर कि अगर नेटवर्क लोड डाउन बैलेंसर, डाउन टाइम हाँ डाउन टाइम भी हो सकता है, बट डाउन टाइम की कंडीशन बहुत कम होती है, उसको डेटाबेस नहीं मिलेगा ना आपका, वो लोड लोड ज़्यादा आएगा तो बैठ हाँ जाएगा, ओके। जैसे कि मैं कुछ टाइम पहले, अगर हाँ आपको याद होगा हाँ कि आपका फ्लिपकार्ट में ना वो सब साइट रीचेबल नहीं थी, ओके https फॉन्ट फॉन्ट कोड, ओके। सो देखो 404 एरर दिखाएगा आपको इसके अंदर, फिर नॉट फॉन्ट, पेज नॉट फॉन्ट, समझ रहे हो आप। ओके तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के एरर्स हो सकते हैं तुम्हारे समझ 404। सो आप जैसे बोलो कि सर ये देखो सर, मेरे को ये रही आ गया एग्जैक्टली 404 एरर आ गया, कि ये चीज़ मिल रहा ही नहीं मुझे, ये आ सकता है, कुछ भी आ सकता है कोई, एग्जैक्टली 404 एरर उसमें, यानी कि आपको पेज नहीं मिलेगा आपको, समझ रहे हो। आपको डेटाबेस अगर आपका, आपने लोड बैलेंसर नहीं सेट सेट किया तो आपको रिचेबिलिटी नहीं बनेगी। रीचेबिलिटी नहीं बनेगी, राइट राइट, दिस इज द मेन थिंग, ओके। इसीलिए हम बनाते हैं, और सम टाइम बैक अगर आप यूज केस देखोगे, ठीक है। तो हमारे क्या हुआ था कि बिग बिलियन डे आया था ना, आपको शायद कुछ याद होगा, तो उसके अंदर आपका आपका ये कुछ ना, आपका रिचेबल, पेज रिचेबल नहीं था उस टाइम, ओके ठीक है, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ आया होगा आपको ना, मैंने ऐसा कुछ कुछ। पढ़ा था सर, शायद डीडॉस अटैक था कि कुछ था जिसकी वजह से, एक कुछ तो हुआ था रिसेंटली। तो वो इस वही समझिए आपकी रिचेबल नहीं था भाई वो, एग्जैक्टली कि आप वो डॉस डीडोस अटैक का मतलब ही समझिए, आपकी कंपनी ने वो डॉस प्रोडक्शन नहीं कर रखा था फर्स्ट चीज, और सौ की सेकंड चीज की सर उसने लोड बैलेंसर नहीं सेट कर रखा होगा, दोनों में से एक चीज हो सकती है तुम्हारी, है ना। अगर वो कंपनी कंप्रोमाइज होती ना तो डॉस अटैक बोलते आप, राइट, कि सर फ्लिपकार्ट इज कम्प्रोमाइज, अगर कंप्रोमाइज होती ना सर्वर उनके तो डॉस अटैक बोल सकते थे आप। सर उन्होंने कोई मीडिया में कोई न्यूज़ नहीं आई है ऐसे कुछ कंप्रोमाइज़ की, इसका मतलब फिर उन्होंने लोड बैलेंसर का इशू उनका फिर वो, है ना। तो ये है, तो ये इसका यूज़ केस होता है तुम्हारा, ये लोड बैलेंसर्स, ठीक है। तो हम जैसे हमारा क्वेश्चन ये था, हम जो बात कर रहे थे कि सर मैं एज ए कंपनी ओनर, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट कि यार मेरे को ना आई वुड लाइक टू गेट की ऑपरेशनल एक्सेलेंस चाहिए मुझे एग्जैक्टली कंपनी के अंदर ना, ऑपरेशनल एक्सेलेंस कैसे होगा। तो भाई मैं एग्जैक्टली अगर मैंने बिल्कुल सही तरीके से सेट कर रखा होगा
कंपनी को, चीज़ों को, तो डेफिनेटली वो तुम्हारा होगा बेस्ट बेस्ट एंड बेस्ट आई वुड से अपने सक्सेस होगा। नंबर टू सिक्योरिटी, सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सर। सिक्योरिटी सर इम्पोर्टेंट, वाइट इम्पोर्टेंट। कंपनी कहते हैं कि राइट, मेरा क्वेश्चन ये है कि यार आई विल नॉट एबल टू ट्रस्ट ऑन द क्लाउड, ओके, एंड आई एम से दैट हे आई एम नॉट यू नो व्हाट हाउ द प्रोडक्ट ऑफ द डेटा इन द कंपनी, ओके, एंड हाउ द सिस्टम एंड एसेट्स इन द वे दैट कैन इम्प्रूव द सिक्योरिटी पोस्चर। पहला पहला चीज़ की सर, हाउ वुड आई वॉन्ट टू बिलीव ऑन द क्लाउड, कि मेरे को क्लाउड पे भरोसा ही नहीं है। तो सर हम सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट कर दोगे तो भी आप, मैं कैसे मान जाऊँ कि मेरा डाटा आप रिकवर कर दोगे? यानी कि आप सिंपल समझिए, एक एक लेमेन क्वेश्चन है मैं एग्जैक्टली आई हैव आई एम आस्किंग टू यू, लाइक हे लाइक BCP एंड DRP, ओके, जैसे आप बात करते हो ना सर, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग एंड डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग, ओके, ठीक है। तो सर मेरे को बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग करनी है, डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग करनी है, सो हाउ वुड आई कम टू बिलीव ऑन द क्लाउड? अगर आपका क्लाउड ना भरोसा, आप क्लाउड अभी डाउन होता है ना, ऐसा थोड़ी होता है क्लाउड डाउन नहीं होता है आपका, है ना, मैं दिखाता हूँ आपको मैं, सर क्लाउड भी डाउन होता है, ऐसी बात थोड़ी कि क्लाउड डाउन नहीं होगा कभी जिंदगी में, कभी सब कुछ क्लाउड, सब कुछ डाउन होता है जिंदगी में, है तो टेक्नोलॉजी है ना बेसिकली, और क्या चीज़ है ये। तो जैसे मैं एग्जाम्पल बताऊँ आपको, मैं AWS एंड Azure डाउन टाइम, तो ये वैसे मैं एग्जैक्टली आपको बताऊं कि हाँ डाउन होते हैं, अभी आपका फेसबुक अभी इंस्टाग्राम भी डाउन हुआ था है ना, तो एनीथिंग कैन बी डाउन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हाँ, सर। कुछ दिनों पहले ही ओके, सो इट इज़ नॉट दैट कि यस यू आर राइट सर, डाउन टाइम तो सबका होता है, मैंने को आई एग्री विद यू, बट कितना होता है, कितना इम्पैक्ट हो सकता है, यानी कि एक आप अगर आप मैं कह रहा हूँ कि AWS और Azure और आप बैंकिंग में लगाते हो ना, तो आपका BCP और DRP कितना होना चाहिए, यानी कि कितना डाउन टाइम तक कंपनी बर्दाश्त कर सकती है, ओके, ये भी चीज़ होती है मेंटेन करने के लिए। यानी कि आप जैसे कि आप एफ एम टॉकिंग अबाउट सर, आई हैव टू इम्प्लीमेंट AWS Azure इन टू द एविएशन इंडस्ट्री, ओके, अब 1 घंटे के अंदर क्या फ्लाइट थोड़ी रुक जाएगी आपकी? फ्लाइट्स अगर रुक जाएंगी या कंप्रोमाइज़ हो गई तो कितना, कौन कितना रिस्पॉन्सिबल है इसके ऊपर, है ना? बैंकिंग ट्रांजेक्शन हो सकता है, स्टॉक मार्केट हो सकता है, स्टॉक मार्केट में 1 घंटा सर्वर नहीं चलेगा तो बहुत लॉस हो सकता है ना। तो देखो बहुत चीज़ें हैं क्या एग्जैक्टली, तो होगा? बहुत बैकअप एप्लीकेशन लेना पड़ता है। तो देखो क्लाउड डाउन टाइम ये रिपोर्ट है 2015 की है, सो देखो इसमें है हर एक चीज़ डाउन होती है, क्योंकि वो आती तो लीज लाइन से ही है ना। दिखाऊंगा अभी मैं, अभी सॉफ्टवेयर 17 आवर्स, गूगल क्लाउड 11 आवर्स 34 मिनट्स, एजोर 10 आवर्स 49 मिनट्स, ओके, सो आप समझ सकते हो कि आपका 2015 अगर आपका बिजनेस क्लाउड पे है, एजोर पे है, सो इट कैन बी 10 आवर्स 49 मिनट्स, इट विल बी डाउन, कितना डाउन टाइम था 49 मिनट्स डाउन टाइम। एजोर अमेजोन वेब सर्विस 2 आवर्स 38 मिनट्स विल बी डाउन टाइम, यू कैन से दैट। अब सर बोलोगे सर कि वाई सर एजोर इज एजोर AWS नंबर 1, बिकॉज इसका डाउन टाइम कम है इसलिए नंबर 1 है, फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, एंड एट एट AWS फर्स्ट आया, पहले आया था एजोर से, इसलिए नंबर 1 है ना। एंड जो अमेजोन है, वो अमेजोन जो है वो ऑल दोस एंटरप्राइज कंपनीज के ऊपर काम करता है, जैसे कि नेटफ्लिक्स है, या फिर जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, है ना, क्योंकि तो इसका ये बेस्ट है, इसका लिनक्स और इसके लिनक्स फ्लेवर्स हैं बेस्ट हैं। बट सर एजोर भी तो अच्छा है, एजोर भी बेस्ट है, क्यों? क्योंकि सर जितने भी 90% कंपनीज हैं वो यार विंडोज़ के ऊपर तो काम करती थी पहले, सर्वर्स के ऊपर, कि विंडोज सर्वर है ना, MySQL था, MySQL सर्वर थे ना, MySQL है या फिर सर्वर थे तो उनके पास में विंडोज़, और सर लिनक्स तो बहुत कम आता लोगों को वैसे भी, तो फिर जाएंगे एजोर के ऊपर ही ना। तो हाँ कुछ चीज़ें देखो एडवांटेज डिसएडवांटेज हो सकते हैं, हर चीज़ को होते हैं ये मानता हूँ, बट अभी अभी के टाइम के अंदर AWS एजोर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑनेस्टली, कि अभी दोनों चल रहे हैं अभी, फिर भी जो स्टैक है मार्केट के अंदर वो बेस्ट है अभी, ज़्यादा AWS का ही है, आप चाहे कहीं से कंपेयर कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है। देखो इसके देखो मार्केट शेयर दुकान से देखो सिंपल सा, 52% तो AWS का ही है, एजोर का 21% है, क्लाउड का 18% है, ठीक है, दिस इज टोटल रिपोर्ट आई वुड से दैट, ठीक है। तो सर AWS तो नंबर 1 पे है अभी, पर वो देखो कंपटीशन सब में होता है, ऐसी बात नहीं है, बट यस आई कैन से दैट
क्लाउड मार्केट शेयर राइट नाउ 32% AWS, 19% Azure, एंड 7% इज GCP. ओके, सो गूगल को कौन पूछ रहा है अभी, बट हाँ लोग करते हैं यार अभी भी. वैसी बात नहीं है कि आप गूगल पे इतना ट्रस्ट नहीं करें, गूगल के भी काफ़ी अच्छे हैं, यूज़ केस हैं, आप समझ सकते हैं चीज़ों को. बट नंबर वन नंबर टू की बात करते हैं मेनली. ओके, जिस भी कंपनी में जाएंगे आप, एंड लॉट्स ऑफ जॉब्स इन द कंपनीज इन द AWS एंड एज़्योर, राइट. एंड सर, इफ यू टॉकिंग अबाउट सम डेवऑप्स के पॉइंट ऑफ व्यू, सर या डेवऑप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको रेफर करूंगा कि एज़्योर बेस्ट है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि ओके आपको डिफरेंट डिफरेंट कंपेटेबिलिटी चाहिए, आपको ओएस चाहिए, फ्लेवर्स चाहिए, विंडोज चाहिए, ओके, डिफरेंट डिफरेंट आपको टूल्स यूज केस करने हैं ना, तो वो सब आपको एजोर हाँ पे मिलते हैं. मतलब कहने का मतलब ये कि आपको जो बेस्ट कंपेटेबिलिटी बैठती है एक स्मॉल टू मीडियम साइज कंपनी के हिसाब से, एजोर पे फिर बैठता है. बट सर, आई आई डोंट लाइक टू वर्क इन द स्मॉल कंपनी, मीडियम कंपनी, आई लाइक टू वर्क इन द एंटरप्राइज कंपनीज, कॉर्पोरेट कंपनीज, सो AWS बेस्ट बेस्ट है उसके लिए फिर, ठीक है. बट यूज केस क्या कहलाते हैं सर, आप हमारे पास में एसक्यूएल सर्वर ज़्यादा हैं, माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज सर्वर ज़्यादा हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट एजोर तो प्रोडक्ट है ना माइक्रोसॉफ्ट का, तो वो तो फ्री में देगा ना आपको, लाइसेंस तो फ्री मिलेगा आपको कम से कम. इसको AWS को परचेज करने पड़ते हैं ना लाइसेंस फिर अलग से, ठीक है. तो यू कैन से सर एजोर इज बेस्ट फॉर एसक्यूएल सर्वर, विंडोज फ्लेवर्स एंड डेवऑप्स पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, बट ऐसा नहीं कि AWS बेस्ट पीछे है, बट यस, लिनक्स फ्लेवर्स आपके पास में, सर्वर्स डेटाबेसिस में, तो AWS आई वुड प्रेफर कि AWS पे जाइए आप सीधा कॉर्पोरेट के लिए, ठीक है. तो ये आपका थोड़ा सा एडवांटेज हो सकता है इसके अंदर काम करने के तरीके में, ठीक है. और कुछ कुछ और भी इसमें देखो, फायदा नुकसान और भी है इसमें, बताता हूँ तुम्हें. AWS एंड एज्योर रीजन्स, अगर आपको थोड़ा सा समझ होगा, आपने काम किया होगा, कि देखो हर एक रीजन्स होते हैं है ना, AWS एज़्योर के रीजन्स होते हैं तुम्हारे इसमें, AWS में शायद सर मैंने किया था एश्योर का, आई एम नॉट श्योर. हाँ मैं दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ, टेक इट इजी, आपको हर एक चीज़ का सॉल्यूशन मिलेगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है. अब जैसे हम सर कैसे कहते हैं रीजन्स क्या है सर ये, मतलब मैं फालतू चीज़ लगती है मुझे, क्या है ये, मतलब क्या करूँ उसका मैं, ठीक है, व्हाट इज दिस इज ऑल अबाउट, ठीक है. एग्जांपल आपको मैं, अब जैसे मान लीजिए सर मेरे को एक सर मेरे को एक डाटा सेंटर क्रिएट करना है ना, तो आप एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ मैं, डाटा सेंटर. ओके, अब जैसे कि आपको बोलूँगी सर मेरे को डाटा सेंटर क्रिएट करना है, ओके, एक होता है तुम्हारा ऑन प्रेमिसेस इंटरनली, एक होता है क्लाउड पे, ठीक है. अब मेरे को क्लाउड डाटा सेंटर क्रिएट करना है, तो इसका मतलब क्या कि सर आपके पास में, अब मैं बोलता हूँ आपको एक सिंपल, टीयर वन आर्किटेक्चर, ओके, एंड देन समबडी गो टॉकिंग अबाउट, हे महेश, वी हैव सम टीयर टू आर्किटेक्चर, ओके, समबडी टॉकिंग अबाउट, हे महेश, वी हैव सम टीयर थ्री आर्किटेक्चर, ओके, समबडी, हे महेश, वी हैव सम टीयर फोर आर्किटेक्चर, ओके, माय माय गॉड, दिस इज फोर टीयर आर्किटेक्चर, ठीक है. तो ये अब देखो अभी कॉमनली अभी इस टाइम पूरी चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप 5 6 10 10 लेके आ जाओ. अब इसका मतलब क्या क्या होता है देखो, ठीक है, टीयर वन आर्किटेक्चर साथ वन डेटा सेंटर लोकेशन ओनली, ओके. जैसे कि मान लीजिए सर मैं आई आई एम लिविंग इन दिल्ली, सर हमारी कंपनी दिल्ली में है, तो इसका मतलब दिल्ली में ही हमारा डाटा सेंटर है, दिल्ली में सब कुछ है अपना, ठीक है. दिल्ली में कभी फ्लड आ गई तो फिर क्या करोगे आप, कोई सॉल्यूशन है आपका, बिजनेस फेल डाउन, चलो भाई हो गया कंप्लीट, ठीक है. अब ठीक है, अब जैसे टीयर टू आर्किटेक्चर के अंदर सर हमारे पास में टू रीजन्स हैं डेटा सेंटर्स, ठीक है. अब मैं बोलता हूँ सर टू रीजन्स कौन से, सर सेम स्टेट में या फिर डिफरेंट स्टेट के अंदर, यानी कि अवेलेबिलिटी सेट होता है तुम्हारा कि वो सेम रीजन में. अगर सर दिल्ली में दो ब्रांच है हमारी, एक कालकाजी में, एक अपना आप बोलते हैं प्लेस के अंदर, तो दिल्ली में फ्लड आ गया कम्प्लीटली, तो वो तो दोनों गई ना काम से. तो देखो, तो अवेलेबिलिटी सेट बोलते हैं डेटा सेंटर को, के टू लोकेशंस के अंदर. जैसे कि मैं बोलता हूँ कि सर वन इज आवर से सेंट्रल इंडिया, मैं सेंट्रल इंडिया एनडीएम कर दीजिए, एक साउथ इंडिया कर दीजिए, ठीक है. तो दो डिफरेंट जगह है ना, एक तो सेंट्रल इंडिया में सर आप दिल्ली में कर दो,
है ना, एक साउथ इंडिया में कर दो सर, अब दोनों जगह तो बाढ़ नहीं आएगी ना एक बार के अंदर, एक तो चलेगा मेरा, हाँ ठीक है। अब चलो ठीक है सर, वाई इंडिया सर, कैन आई गोइंग टू क्रिएट इन आउटसाइड ऑफ माई कंट्री सर, डेफिनेटली क्यों नहीं क्रिएट कर सकते आप, क्योंकि क्लाउड है, क्लाउड तो हर जगह अवेलेबल है ना। जैसे एग्जाम्पल इसको हम थोड़ा सा और समझते हैं, अब सर मैं कहता हूँ कि सर मेरे को एक चीज़ क्रिएट करनी है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल कहता हूँ सर, मैं उसको एक वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करना है, राइट, बहुत सिंपल ठीक है। क्रिएट पे आते हैं, क्या बोल रहा है, क्रिएट भी करने देगा, देखो इसमें कोई ये मैं बाद में सिखाऊंगा आपको दिसो क्या होता है, बट राइट नाउ वी टॉकिंग अबाउट हियर इज ओके रीजन्स। ओके देखो आप ही देखो, इसमें यू ओके यू गेटिंग गेट लॉट्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रीजन्स, यू नॉट अबाउट इन इंडिया बट यू गोइंग टू गेट ग्लोबली एवरीवेयर इंडिया राइट नाउ, साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया, ओके वी हैव सेंट्रल इंडिया, थ्री डिफरेंट रीजन्स इन इंडिया राइट नाउ, ओके ठीक है। साउथ तो वेस्ट एंड यस, सो अब जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ सर, मेरे को एक यूएस में अपना एक क्रिएट करना है वर्चुअल नेटवर्क्स, सो मैं कर सकता हूँ यहाँ पर सिंपली यूएस ईस्ट रीजन को सेट करूंगा और वहाँ पर बन जाएगा एग्जैक्टली, राइट। तो इस ओके ग्लोबल रीच, सो क्लाउड में क्या है सर, व्हाट इज द ब्यूटी अबाउट इट, वी हैव ग्लोबल रीच माय डियर, देयर इज नो लिमिटेशंस, यू गोइंग टू बी क्रिएट, यू गोइंग टू डूइंग योर बिजनेस एनी वे इन द वर्ल्ड। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि सर मेरी एक कंपनी है ऑनलाइन गेमिंग कंपनी सपोज सर, एंड सर मेरे जो ज़्यादातर जो जो प्लेयर्स हैं चेस खेलने वाले या फिर कोई भी एक्स वाई जी गेम हो सकता है, वो ज़्यादातर आते हैं यूरोप कंट्री से। अब यूरोप कंट्री से आपके पास में आते हैं यूज़र्स और आपने डाटा सेंटर क्रिएट कर दिया इंडिया में, तो आपका तो फिर यार वो थ्रूपुट लेटेंसी नेटवर्किंग लगेगा ना, लेटेंसी आती है बहुत ज़्यादा, राइट। सो आपको क्रिएट करना पड़ेगा डाटा सेंटर यूरोप, सो आपका उसमें ऑप्शन है सर, मैं आराम से आते यहाँ जाके और मैं अपना यूरोप के अंदर क्रिएट कर सकता हूँ अपना एड्रेस डाटा सेंटर, म्यूजिक का अच्छा प्रॉब्लम है, राइट। ओके यूरोप, वेस्ट यूरोप में क्रिएट कर दीजिए, आपकी मर्जी मर्जी है, यूके में क्रिएट कर दीजिए, स्विट्जरलैंड में क्रिएट कर दीजिए, एनीथिंग एनीवेयर सर। वाई सर इसका जरूरी क्यों है यहाँ पे क्रिएट करना, मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर आपको मिलेगा यहाँ पर सर। मैं अगर मैं नहीं क्रिएट करता हूँ और मैं इंडिया में क्रिएट कर देता हूँ तो क्या होगा, है ना, ये क्वेश्चन भी आएगा सर, मैं आपकी बात क्यों मानूँ। इसका मतलब है देखो, इसका आंसर ये है कि HTTPS AWS और के एंड Azure लेटेंसी टेस्ट, मैं कहता हूँ आपको एक टेस्ट करो, लेटेंसी टेस्ट करो कि सर कौन सी चीज़ कहाँ पर रिचेबल है। जैसे एग्जाम्पल मैं Azure की बात करता हूँ, ठीक है सर, मेरे को सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया, जो भी इंडिया है जहाँ भी करना है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ सर, अगर मैं राइट नाउ देखो मेरी जो लोकेशन है, मैं कहता हूँ सेंट्रल इंडिया, ठीक है, और अगर मैं कहता हूँ सर एक साउथ इंडिया, एक वेस्ट इंडिया, ठीक है, इंडिया की 3 लोकेशन हो गई राइट नाउ, ठीक है। एंड सर मेरा जो डाटा सेंटर है वो कहता हूँ कि मैं यूके में है या यूए में है या फिर किसी भी रीजन मान सकते हो आप, इटली मान लीजिए, यूरोप रीजन में, देखो ये सिलेक्ट ऑल, लाइक मैं कहता हूँ जर्मनी में है, फ्रांस में, देखिए सो यूके, आप देखोगे इसके अंदर कि यहाँ तो 64 मिली सेकेंड्स हैं रीचेबल, ओके। बट अगर मैं साउथ टॉकिंग इंडिया अबाउट में टाइम लग रहा है। यस एंड फाइनल फ्रांस एंड मिडिल ईस्ट में देखोगे आप, तो देखो मैं लेटेंस देखिए आप कितनी है, बहुत यानी कि 399 मिली सेकेंड्स हैं पहुंचने के अंदर, आप समझते हो इसका मतलब, समझते हो, आपने टॉकिंग आपने पढ़ा होगा कि जैसे मैं एग्जैक्टली बोलता हूँ ये है, मैं करता हूँ पिंग और मैं करता हूँ अपने राउटर को पिंग करता हूँ पहले, देखो मेरा है 2 मिली सेकेंड्स, 8 मिली सेकेंड्स, ओके लाइक कंटिन्यूस पिंग करता हूँ मैं, यानी कि आपको पहुँचने में कितना टाइम लग रहा है वो क्या है, यानी कि कितनी लेटेंसी है, कितना थ्रूपुट है, राइट सर। आपका है 2.5 मिली सेकेंड्स, दैट्स फाइन, आपकी स्पीड अच्छी है, मतलब ठीक ठाक स्पीड है ऑन योर वाईफाई राइट नाउ, क्योंकि 1 मिली सेकेंड 2 मिली सेकेंड्स होना चाहिए आपका, वो 2 मिली सेकेंड्स में आ रहा है, ठीक है। अब जब मैं उसी चीज़ को मैं अगर मैं पिंग करता हूँ, मान लीजिए गूगल को पिंग करता हूँ मैं, तो गूगल पे घर पे तो लगा नहीं है, गूगल ऑब्वियसली लगा होगा यूएस में, तो 11 मिली सेकेंड्स आ गया देखो यहाँ पर, राइट। सो अच्छा कहने का मतलब यह है कि आपकी कितना टाइम लगता है आपको पहुंचने में, यानी कि सर ऑनलाइन गेमिंग है,
ठीक है, या फिर अभी आईपीएल चालू होने वाला एग्जांपल है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि इंडिया के लोग आईपीएल देखेंगे, ग्लोबली चलता है आईपीएल तो, है ना। ग्लोबली. हाँ अब मान लीजिए एक बंदा है कनाडा के अंदर या यूके के अंदर, वो आईपीएल देखेगा तो ठीक उसको है. रियल टाइम हाँ दिखना चाहिए ना, रियल टाइम सब कुछ आना चाहिए। अगर वो उसको एक बॉल फेंकेंगे वो पाँच हाँ दो 5-10 सेकंड के बाद में वो बॉल देखेगा तो क्या फ़ायदा उसका, फिर वो तो फिर पीछे हो गया है ना। तो दैट इज़ वाई कि आपको लेटेंसी बहुत मैटर करती है, ठीक है। आप यूरोप में खोलोगे तो देखो 203 मिलीसेकंड मिलेगा, 212 मिलीसेकंड मिलेगा आपको। वही चीज़ इंडिया में डाटा सेंटर होगा आपका तो 77 मिलीसेकंड होगा। अब ये सर कैसे पता लग रहा है कि ये सही है या गलत है, इसका मतलब ये देखिए आप, मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। आप साइबर सिक्योरिटी में हैं तो मैं करूँगा व्हाट इज माय आईपी, राइट। अब इसमें बताएगा सर मेरी लोकेशन क्या है, राइट, मेरी लोकेशन क्या है, मेरा आईपी क्या है। आप समझ जाओगे सर इस बंदे की लोकेशन है इंडिया में, तो इंडिया से तो अगर डाटा सेंटर में होगा तो वो तो जल्दी पहुँचेगा ना, देख तो पहुँचेगा नहीं। अब हाँ देखो है ना, तो देख देख अभी देखिए दिस इज माई माई आई पी एड्रेस, ओके। अब मैं इस पर आऊँगा तो मेरे को अपनी लोकेशन दिखा देगा एग्जैक्टली। तो क्यों, क्योंकि मैं सर इंडिया से रिचेबल कर रहा हूँ, तो इंडिया से रिचेबल करूँगा तो सर ऑब्वियसली बात है कि इंडिया का पहले होगा। अगर मैं यूके यूएस यूके में बैठा हूँगा तो यूके से करूँगा तो मेरा डाटा सेंटर बहुत पास में होगा। ओके, तो क्या हाँ मतलब उस ये कि टाइम उस टाइम तो पास रहेगा, बट यस अगर आईपीएल आईपीएल चलेगा इंडिया में और सर्वर आपने होस्ट कर दिया इंडिया के अंदर तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना आपको। तो कहने का मतलब ये है कि ओके. आपको सर्वर्स 2-3 जगह क्रिएट कर सकते हो। एक कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क होता है सीडीएन सर्विस, उसको हमको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है इसके लिए सीडीएन। ओके, सो दिस इज माई लोकेशन, यू कैन से दैट। तो आप इंडिया से आओगे तो आप ऑब्वियसली आपका आईपी सब कुछ ट्रैक हो जाता है उससे, तो बता देगा आपकी लोकेशन क्या है, राइट। दिस इज द वे आपको जो लेटेंसी करते हैं, फिर आपको लेटेंसी करने के बाद में वो सर चेक दोस्त करने के बाद में आपको जो करना पड़ता है सर कि मेरे को लेटेंसी तो चेक हो गया मेरा। अब सेकंड मेरा क्वेश्चन ये है कि सर डेटा सेंटर की बात कर रहे थे हम, आइए यार, कि हम दो क्रिएट कर दिए और हमने साउथ सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया और वी कैन से वेस्ट इंडिया, वी कैन क्रिएट एनीथिंग। ओके, दिस इज इंडिया की बात कर रही है, बाकी ग्लोबल कहीं कर सकते हो। एंड इन दिस वी हैव सम थ्री डेटा सेंटर्स, थ्री डेटा सेंटर भी करना क्रिएटिंग करते हैं। ओके, थ्री डिफरेंट रीजन्स हो सकते हैं, राइट। तो ऐसा नहीं कि आपको एक पर्टिकुलर लोकेशन में होगा तो आपका ठीक है, दिस बेस्ट सर, आई लाइक इट, दिस इज ऑल दोस फाइन थिंग्स। तीन लोकेशन थ्री डिफरेंट डाटा सेंटर हो सकते हैं तुम्हारे। ओके, सो आपकी कॉस्टिंग वॉस्टिंग निकालते हैं बाद की बात है, बट आपको ओके. आर्किटेक्चर समझिए, आप बस पैसे तो कम नहीं लगाएगी ना, आपको थोड़ी लगाने पैसे, हाँ तो वो उसकी चिंता मत कीजिए आप, उसका बजट अपना बनाएंगे। तीन थ्री डाटा सेंटर्स यहाँ पे होंगे तो फोर डाटा सेंटर्स, ठीक है। सो सर कौन सा बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से, तो सर एक रहेगा तो वो उसमें आपका मान लीजिए सब कुछ बैठ जाएगा है ना, वन इज एनी प्रॉब्लम गोज एनीथिंग गोज डाउन। सर टू दो डाटा सेंटर क्रिएट कर लिए हम, सर दो में क्रिएट करते हैं, मान लीजिए आपने दो क्रिएट कर लिए, वन इज इंडिया एंड वन इज यू कैन से जापान, ठीक है। अब जापान के अंदर भी सुनामी हो सकती है, आ सकती है, एंड अर्थक्वेक इज ऑल्सो कैन बी कम, है ना। और इंडिया में भी आ सकता है, इंडिया में कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। हाँ ठीक है, टेरिस अटैक नहीं हो सकते जापान में, बट इंडिया में तो हो सकते हैं कुछ चीज़ें, तो दो भी मेरे हिसाब से कम पड़ेगा, थ्री टी आर्किटेक्चर। ओके, पर सर थ्री के अंदर हम जाएंगे सब बहुत सारा पैसा खर्च होगा हमारा, राइट, कि हमें थ्री डिफरेंट डाटा सेंटर क्रिएट करने पड़ेंगे, हर एक चीज़ बनाना पड़ेगा हमें, ऐसा नहीं कर सकते हम। चाहे तो चाहो तो आपके ओनली डेटा माइग्रेशन कर सकते हो, यानी सिंक कर सकते हो आप। सर इसका मतलब समझा नहीं मैं, डेटा माइग्रेशन सिंक का मतलब समझा नहीं मैं। इसका मतलब आप समझिए कि जैसे कि मैं हूँ, राइट सर, मेरे को स्टोरेज क्रिएट करना है, ठीक है, और वो सिंक होना चाहिए थ्री डिफरेंट रीजन्स के अंदर। स्टोरेज में आइए, लाइक मैं कहता हूँ हे सर स्टोरेज अकाउंट में आइए आप, ठीक है, एंड आई एम इसमें आता हूँ, मैं एक्टिवेट करता हूँ ना यहाँ, राइट। और इसमें आप देखोगे तो वो सिंक होता है, थ्री डिफरेंट रीजन्स पे सिंक हो जाएगा वो, एक ग्लोबली सिंक हो जाएगा तुम्हारा,
कि आपका आपका डेटाबेस रहेगा हमेशा, ठीक आपके रिसोर्सेज तो आप कभी भी क्रिएट कर लोगे ना, आपको 5 मिनट में एक क्रिएट कर दूंगा मैं, नेटवर्किंग 2 मिनट में हाँ संभाली है, ठीक सर वीनेट 2 मिनट में संभाली है, सर सर्वर 2 मिनट में संभाली है, सर लाइक आई कौन से नेटवर्क स्टोरेज ग्रुप NSG 2 मिनट में संभाली है, हर एक चीज़ आप 2-3 मिनट में क्रिएट कर दोगे, बट डेटाबेस थोड़ी क्रिएट कर दोगे आप 2-3 मिनट में, नहीं क्रिएट कर पाओगे। तो डेटाबेस को सिंक होना चाहिए डिफरेंट ग्लोबल रीजन के ऊपर, है ना, सब जगह होना चाहिए वो चीज़ें आपकी। तो ये आपका सिंक की सर्विसेज है, मैंने कह रहा हूँ ये है कि आप अपने जो स्टोरेज आप बनाओगे ना, स्टोरेज आपके डिफरेंट रीजन में होना चाहिए मेरे हिसाब से, राइट। तो इसमें आता है कि आपको जो सिंक करना है, डेटाबेस कहाँ कहाँ सिंक करना है, क्यों करना है, वो सब चीज़ें आपको बताएगा एग्जैक्टली। स्टोरेज मूवर है ना, डिफरेंट डिफरेंट रीजन में आप मूव कर सकते हो डिसेबल कर, ओके एनोनिमस एक्सेस, बोल ऑफ स्टोरेज, कंटेनर वर्जनिंग, चेंजिंग इट, होता तुम्हारा। तो ये कहना मतलब ये है कि आप इसको डिफरेंट रीजन के ऊपर रिडंडेंसी कर सकते हो, समझ लो रिडंडेंसी इन द नेटवर्क। जैसे आप नेटवर्किंग की बात करते हो दो दो पात होते हैं, वैसे इसको भी आप US, ईस्ट US, वेस्ट US में दोनों जगह प्राइमरी या सेकेंडरी कर सकते हो। देखो आपने, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, ठीक है। एंड देखो इसमें आते हैं और भी तरीके हैं, इसमें जियो रिडंडेंसी, लोकली थिंग्स, डीड एक्सेस के, सो डिफरेंट डिफरेंट एजेंट्स में हो सकते हैं लिया, सो इट्स वेरी रिलैक्स, ओके यू गोइंग योर डेटा विल बी अवेलेबल ऑल द टाइम, ओके दैट्स क्लियर। सो फोर्थ, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा हाई एडवांस हो गया, फोर्थ आर्किटेक्चर, फोर डाटा सेंटर्स, ओके। अब जैसे कि बैंकिंग इंडस्ट्री है, एविएशन इंडस्ट्रीज है ना, उनको तो बिलीव ही नहीं होता कि मेरा हमारा डाटा मिल सकता है, तो उनके लिए फोर टी आर्किटेक्चर आ गया अभी, बट वेरी वेरी कॉस्टली, ओके दिस इज वेरी कॉस्टली, ओके ओके दिस इज ऑल्सो वेरी कॉस्टली, ओके या दिस इज मेनली यू वांट टू फाइंड आउट टीयर टू, ओके टीयर टू थिंग्स, ओके। देन आप सिक्योरिटी समझ गए, सिक्योरिटी में एग्जैक्टली कि हमको कैसे सिक्योर करना है डेटाबेस को, कैसे करना है, राइट। अब सिक्योरिटी में बहुत चीजें आती हैं, राइट। सिक्योरिटी इस वेरी ब्रॉड टर्म यार, आप कह नहीं सकते कि मैं सिक्योरिटी में इस चीज डाल दूँ वो डाल दूँ, सिक्योरिटी फिर भी कंप्रोमाइज हो सकता है आपका डेटाबेस, इट्स नॉट 100% सिक्योरिटी इज नॉट पॉसिबिलिटी यार, ओके इन टू द क्लाउड कंप्यूटिंग, आप किसी कहीं पर भी सिक्योरिटी 100%, आई डोंट, आई एम नॉट गोइंग टू से 100% होगी वो सिक्योरिटी आपकी, राइट। सो आपका सिक्योरिटी होता है, बट इसमें यह है कि हम इस वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दोस सिक्योरिटी थिंग्स, कैसे कैसे सिक्योर तुम्हारे फीचर्स काम करते हैं सिक्योरिटी के, AWS पोर्टल पे और Azure पोर्टल के ऊपर भी डिस्कस अबाउट, ओके ऑल दोस टर्म्स वी डिस्कस अबाउट हाउ व्हाट आर द सिक्योरिटी थिंग्स वी कैन आंसर दैट, ओके। एंड फोर्थ थिंग सर, इफ सिक्योरिटी की बात करते हैं, हम कंप्लायंस की बात करते हैं, है ना, हमारे कहाँ कहाँ लूप होल्स हैं, कहाँ कहाँ वल्नरेबिलिटीज हैं क्लाउड के अंदर, है ना, हम उनकी भी बात करेंगे। तो उसके लिए आपको मैं बोलूँगा कि रिया आप एक काम करो, आप सेंटेनर है ना अपना, एक सेंटेनर आता है इसमें, एक ये वाला है ना सेंटेनर, है ना, तो ये तुम्हारा सिर्फ सॉल्यूशन होता है तुम्हारा सिक्योरिटी इंसिडेंट इवेंट मैनेजमेंट, है ना, हम इसकी बात करेंगे हम, है ना, सिक्योरिटी के लिए रिगार्डिंग, हम डिफेंडर की बात करेंगे सिक्योरिटी के, डिफेंडर की बात करेंगे हम, डीडोस प्रोडक्शन की बात करेंगे हम, MFA की बात करेंगे हम, इंट्रा आईडी की बात करेंगे, है ना, तो ये सब कुछ, फायरवॉल की बात करेंगे, है ना, हम गेटवे की बात करेंगे एंड मैं इंट्रा आईडी सिक्योरिटी की बात करेंगे। तो दीज आर द कॉमन फीचर्स, ओके दीज आर सम कॉमन फीचर्स ऑफ दिस क्लाउड, हाउ डू यू टू सिक्योरिंग योर क्लाउड, दैट्स इट। तो हम सिक्योरिटी बहुत इन डेप्थ पढ़ेंगे आगे, तो एक ओनली राइट ना ओवरव्यू बता रहा हूँ आपको मैं, ओके। देन सर सिक्योरिटी हो गया, देन रिलायबिलिटी, हम आपको इसका लिंक भेज दे रहा हूँ, आप इसको कल पढ़ के आइए कम्प्लीटली, कल नहीं तो नेक्स्ट वीक में, कभी भी आप आते हो नेक्स्ट वीक में इस चीज ओके मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ, तो ये आप नोट्स आप बनाते रहिए एग्जैक्टली, मैं आपको ये, ठीक है, और ओके। सो आपको ये रिलायबिलिटी, आपको रिलायबल कैसे करना चाहिए, है ना, रिलायबल कैसे होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए, सर मेरे को रिलायबल है या नहीं है यार, ये कल क्लाउड काम भी करेगा नहीं करेगा, नहीं तो 2 दिन डेटा डेटा मेरा गायब, डेटाबेस गायब हो जाएगा मेरा, परफॉर्मेंस कैसे होना चाहिए, परफॉर्मेंस बेस्ट से बेस्ट होना चाहिए भाई, डिमांड आके 40 होने चाहिए, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन यानी कि, यानी सर कम से कम इतनी लोस्ट लोस्ट कॉस्ट पे होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मेरी कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाए इसके अंदर, ऑन प्रेमिसिस में आपकी आ रही है 1 लाख कॉस्टिंग, इसमें आ रही है 2 लाख कॉस्टिंग,
ये क्या कर दिया आपने यार, इसका मतलब ये थोड़ी क्या आप 5 सर्विस ऑन कर दोगे आप, तो वो चीज़ नहीं है इसमें, है ना। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, सस्टेनेबिलिटी, कंस्ट्रक्शन कैसे करोगे, तो आप इसको थोड़ा सा बढ़ोगे ना, इसको इसको प्रॉपर्टी आइएगा आराम से, आपका टाइम है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको थोड़ा सा जो कुछ क्वेश्चन है ना, उस क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे आपको। जैसे कि मैं बोलूँगा आपसे ऑपरेशन एक्सेलेंस, है ना। अब मैं यहाँ पर आएगा एक सीईओ है, मान लीजिए मैं एक आपका कंपनी मैनेजर हूँ, मैं आपसे पूछूंगा, हे हाउ डू, हे रिया हाउ डू यू डिटरमाइन व्हाट योर प्रायोरिटीज आर, आई एम गोना आस्किंग, हे प्रिया हाउ डज योर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर सपोर्ट योर बिजनेस आउटकम्स। मतलब ये एक समझिए इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आपके लिए, जिनका आपको आंसर देना पड़ेगा, है ना। एंड आई वुड से हाउ डू यू रिड्यूस डिफेक्ट्स, इज रेमेडिएशन एंड इम्प्रूव फ्लो ऑफ द प्रोडक्शन, यू कैन से दैट। सो आपको कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर देने पड़ेंगे कि हे रिया हाउ डू यू अंडरस्टैंड द हेल्थ ऑफ योर ऑपरेशंस, हाउ डू यू मैनेज वर्कलोड एंड ऑपरेशंस इन द इवेंट्स, यू कैन से दैट। सो आपको बेसिक फंडामेंटल पता होना चाहिए कि मैं क्लाउड यूज करूंगी तो उसका क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या क्या होगा, क्या नहीं होगा। देन या कुछ परमिशन है तो थोड़ा सा ये ज़्यादा तो नहीं है, पर हाँ शुरू के 4-5 चीज़ें पढ़ लीजिएगा आराम से, सही रहेगा आपको। हाउ डू यू प्रोडक्ट योर कंप्यूट रिसोर्सेज, ओके, कैसे इसे सिक्योर करना है, तो ये आपके इंटरव्यू क्वेश्चन में काम आ सकता है तुम्हारा, यानी कि कहीं जाएंगे तो इंटरव्यू क्वेश्चन पूछेंगे, हाउ डू यू क्लासीफाई योर डेटा, सो ऑल दोज थिंग्स, लैंग्वेज दूंगा मैं। सेकेंड चीज, आपने आर्किटेक्चर पढ़ा इसका, फर्स्ट थिंग, ओके। सेकेंड चीज सर, आप आर्किटेक्चर मुझे आ गया सर, आगे बताइए क्या करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अब आगे इसमें आते हैं सर, कि अब इसमें आते हैं कि आर्किटेक्चर की रिक्वायरमेंट क्या आपको, है ना, असेसमेंट कैसे करते हैं, यानी कि मेरा क्वेश्चन ये आएगा आपके पास में, यानी एजोर या फिर AWS, है ना, एजोर असेसमेंट, आपको असेसमेंट करना है कि सर मैं कहाँ पर हूँ, मुझे करना है क्या है सर, मैं मेरे को नहीं पता क्या करना है, मेरी कंपनी आज अभी कहाँ खड़ी है, मुझे क्या करना है, मुझे नहीं पता अभी। तो आप क्या करोगे सर, कि आप ये तो बताओगे ना कम से कम, हाँ सर मैं ये चीज़ है कंपनी के अंदर, अब अभी ये चीज़ नहीं है, मैं आपको ये भेज रहा हूँ, देखो ठीक है, तो ये चीज़ है, सॉरी, ठीक है। अब देखो इसमें क्या आता है सर, देखो इसमें क्या, इसमें ये आता है कि असेसमेंट कंट्रोल लोगों को अपना, ओके। अभी रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, आपने ये 5-6 चीज़ें पढ़ी है अभी, ऑपरेशन एक्सेलेंस, है ना, डिजाइन ऑफ ऑल दोज थिंग्स। अब मैं बोलूँगा सर, या ऐसा काम करो कि पहले तो ये बताओ कि ठीक आपकी कंपनी में एग्जैक्टली चल क्या रहा है, और आप करना क्या चाहते हो आप एग्जैक्टली, है ना। असेसमेंट करो अपने आप को, इम्प्लीमेंट तो बाद में, इम्प्लीमेंट बाद में कर दीजिएगा, पहले देखो कि आपकी कंपनी में कमी क्या क्या है, जब आपकी कंपनी की बनने पड़े। सर, बट अभी मैं एकदम जूनियर लेवल पे हूँ, अभी थोड़ा सा मेरे को नहीं पूछना पड़ेगा सीनियर्स वगैरह से। नहीं 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 वो तो मैं आपको, मैं एग्जांपल पूछ रहा हूँ, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं अच्छा, एज ए ओके ओके फैकल्टी, मैं आपको बस पूछ रहा हूँ कि ये सब चीज़ें क्या है, आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आगे एग्जाम में, अभी आ सकता है, या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि रिया प्लीज टेल मी हाउ इज योर कंपनी आर्किटेक्चर अबाउट, ओके सी रिजल्ट एग्जाम्पल। सो आपको पहले ये करना पड़ेगा सर कि यार मेरे को नहीं पता कंपनी में क्या है क्या नहीं है, देखो आप अपने जो सीनियर्स उनको भी एडवाइस कर सकते हो, तो कहने का मतलब यह है कि आप यहाँ जाइए आप सीधा, और मुझे बताइए, माइक्रोसॉफ्ट मुझे बताएगा एग्जैक्टली कि मतलब मुझे करना क्या है एग्जैक्टली, ठीक है, कि मैं असेसमेंट कैसे करूँ, असेसमेंट क्या होता है ना, कितनी कॉस्ट आएगी, कितना सिक्योरिटी है, कौन कौन सी चीज़ इनेबल्ड है, कौन से नहीं है, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर बताएगा आपको ये असेसमेंट। तो कैसे करना, देखो आपको करने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, आपको 60 मिनट्स का टाइम चाहिए इसके अंदर, ओके। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आंसर होंगे, और आपको कुछ गाइडेंस मिलेगी इसके अंदर, सीरीज क्वेश्चन होंगे, क्लिक ऑन द असेसमेंट, क्लिक करिए यहाँ पर। अब देखिए, अब आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं, बस आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, उनका आंसर देने पड़ेंगे। हे महेश, कि हमारी कंपनी में जैसे ये मैंने किया था 17th of March को किया था, सिखाया था मैंने, तो आप चाहो तो उसको कंटिन्यू कर लो, चाहे उसको अगले कंटिन्यू कर लो। स्टार्ट, आप यहाँ पर लिंक भी कर सकते हो अपना अकाउंट, एजर अकाउंट, ठीक है। अब पूछेंगे, हे महेश, सिलेक्ट एन ऑप्शन, डेटा सर्विसेज, सी वेक्टर इन द असेसमेंट, वेब कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हो आप, ठीक है, तो आप करोगे तो क्या करोगे, व्हाट वर्कलोड टाइप डू यू वांट टू इवेलुएट, ठीक है। तो आप बोलोगे क्या करना चाहते हो एग्जैक्टली सर,
आखिर फ्रेमवर्क एजो मशीन लर्निंग इंजीनियर सर्विस एजो स्टैक है आप सर, मेरे को वर्ल्ड ये करना चाहता हूँ मैं फर्स्ट विद आर्किटेक्ट फ्रेमवर्क। आपका को AI का काम है, एजो मशीन लर्निंग काम है तो ये, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का काम है ये तो ये, सैप चाहिए तो आपको ये, एजो स्टैक हब चाहिए तो ये, मोस्ट प्रॉब्ली आपको फर्स्ट वाला चाहिए। इसमें ऐसा नहीं कि हाँ आपको बस ये पूछना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कंपनी में आप चाहते हैं क्या हो, एग्जैक्टली व्हाट पिलर्स यू वुड लाइक टू इवेल्युएट, आप क्या करना चाहते हो एग्जैक्टली। सर मैं चाहता हूँ रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, परफॉर्मेंस, ये सारा चीज़ चाहता हूँ मैं, पाँचों चीज़ें। आप पाँच चीज़ करोगे आप सर, ठीक ठीक है बेस्ट है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, नेक्स्ट आइए आप। अब इन सब क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं आपको ये रिलायबिलिटी के, अब इसमें बताइए जाए, बता जाइए आपको कंपनी में आपने क्या किया क्या नहीं किया आपने, आपको क्या पता है क्या नहीं पता है कंपनी में। आपको नहीं पता नन ऑफ अबाउ कर दीजिए सीधा, यानी कि एक कंपनी में आप क्लाउड कंप्यूटिंग को इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो आपको कुछ जो चीज़ें हैं आपको कुछ पता है या कुछ पता चीज़ें नहीं है बता, आपको आप इनमें देख सकते हो सर। अभी इतने सारे क्वेश्चन हैं आपके ये, ठीक है, यानी मैं कंपनी में आप एक साइबर स्ट्रेटेजी सिक्योरिटी के बंदे हो, आपको इम्प्लीमेंट करना है क्लाउड, ओके लाइक डेवऑप्स आपको करना है ना, तो आपका कैसा कल्चर है डेवऑप्स का, है ना एग्जैक्टली ओके। सो आपको ये बताना पड़ेगा कि हाँ सर मेरा ऐसा कल्चर है, क्यों अब इससे होगा क्या, इसके बाद में एक क्वेश्चन एक आपको एक आंसर शीट बन के आएगी आपके अंदर कि आपको कहाँ कहाँ पे काम करना है क्लाउड के अंदर, कौन कौन सी चीज़ें आपको इम्प्लीमेंट करनी है क्लाउड के अंदर, राइट। तो ये सब आपको पूरी गाइडेंस बताएगा एग्जैक्टली, असेसमेंट करेगा आपको, यानी कि मैं कंपनी में आता हूँ आपके और मैं ऑडिट करता हूँ कंपनी में आपके में, हे रिया आई एम जस्ट कमिंग योर कंपनी एंड ऑडिट कि आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, कैसे काम चल रहा है, कौन कौन से प्रोसेस कर रहे हो, कौन से नहीं कर रहे हो, कब करना है क्या करना मैं कर रही हूँ है ना। तो फिर आप बताओ कि सर मैं ये कर रही हूँ, ये है ऐसा, ये होता है, ये कंपनी में ऐसा कर रखा है, कंपनी में ये हो रहा है, कंपनी में वैसा हो रहा है, तो फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा उसका आंसर करोगे, फिर मैं आपको एक शीट दूंगा, वो शीट आएगी पूरी आपकी कंप्लीट होने के बाद में, फिर उनको आप उस पर काम करोगे आप, जो जो चीज़ बचेंगे ना आपकी वैसा कुछ। तो ये एक असेसमेंट है, बहुत ही अच्छी चीज़ है, अगर आप चाहो तो उसको कर सकते हो, ये बहुत बेस्ट चीज़ है कि आपको क्लाउड को इम्प्लीमेंट करने से पहले पता होना चाहिए एक्चुअली मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है। मैंने ही पहले किया था 17 को, तो उसमें निकल के आए बहुत सारे इश्यूज निकल के आए थे कि वनेबिलिटीज करनी सर मुझे, है ना, तो आप उसको समझ सकते हो कि एग्जैक्टली कैसे कैसे हुआ था उसे उसका। तो आप अपने एंड से एक बार इसको ट्राई करो, बहुत ही बेस्ट चीज़ है, लर्निंग लॉट्स ऑफ थिंग्स, ठीक ठीक है। है, अब देखो इसमें कंप्लाइंसिस का पार्ट आता है तुम्हारा, सिक्योरिटी का पार्ट आता है तुम्हारा। अब मैंने जो अपने फर्स्ट में मॉडल में कर रखा है ना कि ये कंप्लाइंसिस रूल रेगुलेशन फीचर्स ओके, ऑल द अटैक वैक्टर्स कौन कौन से हैं इसके ऊपर, तो हम कंप्लाइंस की बात करते हैं ना। अब कंप्लाइंस कौन कौन से तुम्हारे होते हैं, GDPR कंप्लाइंस है ना, माइक्रो कंप्लाइंसेस, इंडस्ट्रीज, एलिमेंट डेटा। सो यू कैन से सर मेरे को कंपनी में GDPR इंप्लीमेंट करना, GDPR है कंपनी में, कंप्लाइंस है हमारा, उसके अकॉर्डिंग मेरे को ये एजोर को इम्प्लीमेंट करना है सर मुझे। तो सिंपली आपको GDPR के अकॉर्डिंगली आपका कंप्लाइंस को मानना मानना पड़ेगा और फिर इसको आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा उधर की चीज़ें को। तो बिफोर यू गोइंग टू इम्प्लीमेंट एनीथिंग आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि सर GDPR है क्या कर, लाइक GDPR को समझो तो कम से कम पहले क्या चीज़ है। तो मैं इसी की बात कर मैं आपसे कर रहा हूँ अभी, देखो GDPR है, प्रोटेक्शन है, यानी क्या क्या चीज़ में आती है कम्प्लीटली, मैं एक का नाम नहीं लूंगा पर मैं सभी का नाम लूंगा यहाँ पर, क्लाइंग ऑफिस क्लाउड ओके, लाइक रीजनल पॉइंट ऑफ व्यू सर, कंट्री के स्पेसिफिक महेश मेरी कंपनी एशिया पैसिफिक रीजन में है सर। सो देखो इसमें कौन कौन से, इंडिया का भी आता है तुम्हारा कंप्लाइंसेस, चाइना का है, कोरिया का है, सिंगापुर है ओके, US गवर्नमेंट में देखिए CIS, ऑल दोज कंप्लाइंसेस आ गया, NIST भी आ गया, ठीक है। सो माई कंपनी में कहता है सर मेरी कंपनी है ISO 27000 हो गया, या फिर इतना ग्लोबल हो गया, CIS बेंचमार्क हो गया, ISO 27000 हो गया, SOC 1 SOC 2 हो गया, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट कंप्लाइंस के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा सर कि एज पर दिस कंप्लाइंस की सर मुझे क्या करना पड़ेगा, एज पर दिस कंप्लाइंस सर मुझे क्या करना पड़ेगा, है ना। सो देखो ये सब कंप्लाइंस है तुम्हारे कंप्लीटली ग्लोबल लेवल ओके, ग्लोबल US US कंपनीज। भाई जैसे मैं एग्जाम्पल बोलता हूँ आपको कि आप जैसे चाइना में काम कर रहे हो या, तो चाइना वाले तुमको पता ही कैसे होते हैं, वो चाहते हैं कि हमारा डेटा कहीं नहीं जाना चाहिए सर, पहली रिक्वायरमेंट होती है कि हमारा चैन हमारा डेटा कहीं नहीं जाना चाहिए, आप चाहे काम करो चाहे मत करो कहीं जाओ आप, तो उनका एक वो होता है मेन, है ना। तो आप सबसे पहले क्या करोगे सर, मुझे सबसे पहले तो यार उनका जो एरिया है ना चाइना का,
उनकी जो पॉलिसीज कंप्लाइंस है उसको मेट करना पड़ेगा। वेट सेकेंड, सो आप इसको थोड़ा सा रिव्यू कीजिएगा, इसको ये चीज़ आपके लिए बेस्ट है। भाई मैं इम्प्लीमेंट भी कर दूँ, बाद में पता लगे कंप्लाइंस मैट नहीं किया मैंने, फ़ायदा क्या है ऐसा करने का, राइट? तो पहले थोड़ा बहुत कंप्लाइंस कंप्लाइंस ही पढ़िएगा आराम से। कंप्लाइंस का कुछ नहीं है, बट यह है कि हाँ, जैसे कि इंडिया कंप्लाइंस है, यूएसए कंप्लाइंस है, ऑस्ट्रेलिया कंप्लाइंस है, कुछ ग्लोबल बेंचमार्क होते हैं तुम्हारे, है ना, उसके अकॉर्डिंग काम करना है, तो वैसा वैसा कुछ है, बेसिक नॉलेज ये आपको पढ़ना पड़ेगा। GDPR है या एक रीजनल है, ओके, जापान में, US में, डिफरेंट, चाइना में, ये है DJCP, तो इसका थोड़ा सा आप रिव्यू कर सकते हो सर क्या चीज़ है। बाकी कोई दिक्कत नहीं हो तो कंप्लाइंस वाले करते हैं, बट ऐसे एक आप एक साइबर एक क्लाउड कंसल्टेंट की जॉब कर रहे हो मान लीजिए आप, है ना, तो फिर तो आपको पता ही होना चाहिए थोड़ा बहुत, तो हाँ क्योंकि मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ कि आप एक क्लाउड कंसल्टेंट हो, ना हाँ कि एक इंजीनियर हो, राइट? एंड क्लाउड कंसल्टेंट को हर एक चीज़ आनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो आपको ये कंप्लाइंस, प्लीज इसको थोड़ा सा स्टडी कीजिएगा, राइट? अब एक चीज़ बता दूँ मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है ठीक है? तो अभी वो यूज केस असाइनमेंट्स हम देखेंगे सब बाद में, ओके, हर एक चीज़ में आएगी, बट आई एम गोइंग टू स्टेप बाय स्टेप, ओके, ऑल दोज थिंग्स मोनिटर को हरी आप। अब इसमें बोलता हूँ कोई और चीज़, जैसे इसमें ही हम आते हैं, ठीक है? अब इसमें आप आते हो सर, इसमें मेरे को बोलता हूँ सर, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट एजुकेशन रीजन कौन कौन से, देखिए इसमें तो ये सब रीजन्स है इसके अंदर, ठीक है? हाउएवर आपको यहाँ तो देखेंगे देखेंगे, ये रीजन्स हैं जो जोग्राफिकल रीजन्स है, ओके, लाइक मैं सर डिफरेंस बिटवीन द रीजन्स एंड अवेलेबिलिटी जोन्स, अवेलेबिलिटी जोन डाटा सेंटर, यानी कि इंडिया एक रीजन है, उसके अंदर 3 डाटा सेंटर हैं, हाँ राइट? ओके समझ ये समझ गई सकते हैं, मैं। एशिया पैसिफिक के अंदर इंडिया का सेंट्रल वेस्ट और जैसे हुआ है साउथ हाँ वैसा वैसा बिल्कुल इंडिया है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड IPA एजो के IPA कौन से काम करते हैं, एजो एनवायरमेंट कौन कौन से काम, कौन कौन से एनवायरमेंट काम करते हैं, देखो तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा निकालो, टाइम निकाल के थोड़ा सा इनको देखो, तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा, मज़ा आएगा थोड़ा सा काम करने में। और ये आपका लेटेंसी टेस्ट है इसका, एग्जैक्टली डिफरेंट रीजन्स का, तो जैसे एक मैं ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में कराऊंगा, एक मेरा डाटा सेंटर है ऑस्ट्रेलिया में, एक पोलैंड में है, एक मेरा US वेस्ट में, देखिए देखो कितना लेटेंसी आ रहा है इसके अंदर, 283, 219, 202, सो यू कैन सी डिफरेंट टाइप ऑफ लेटेंसी विल बी देयर इन टू द सेम सर। सो आप इससे थोड़ा सा चेक कर सकते हो, लेटेंसी चेक कर सकते हो, रीजन चेक कर सकते हो, वो सब चीज़ें आप कंप्लीटली चेक कर सकते हो। वन मोर थिंग, अब जैसे कि आपको बोलूँगा कि सर ठीक है, लेटेंसी वेटेंसी तो बात हो गई सर, पैसे कितने लगने हैं ये बताओ मुझे, कॉस्टिंग कितनी होगी सर, कि कॉस्टिंग कंपनी वाले मानेंगे नहीं तो फ़ायदा क्या करने का फिर इनका, ठीक है? अब मैं बोलूँगा एज योर प्राइस कैलकुलेटर। अब ऐसा नहीं कि आप, मैं आपको मैं एजोर का दिखा रहा था, एजोर का कर गया हो गया आप, AWS का भी करना है आपको साथ साथ में, राइट? सो दिस इज द प्राइस कैलकुलेटर, एंड देन यू गोइंग टू सी कि सर पहले तो ये बताओ कॉस्टिंग कितनी लगेगी सर, कंपनी में आगे जवाब देना पड़ेगा कि सर इतने पैसे लगने वाले हैं, वो मुझे बताना है, क्योंकि मैं आर्किटेक्ट हूँ कंपनी के अंदर, एजोर आर्किटेक्ट हूँ मैं, जैसे वर्चुअल मशीन है, राइट? ये ऐड कर दी मैंने, इसको व्यू कर लो, चलो इसको भी देखते हैं कौन से रीजन में क्रिएट करनी है सर, इंडिया में करनी है, ठीक है जी, चलो इंडिया में आते हैं, सेंट्रल इंडिया में आते हैं, चलो ठीक है। विंडोज़ चाहिए, लिनक्स चाहिए सर, लिनक्स चाहिए, विंडोज़ चाहिए, व्हाटएवर, वॉस चाहिए, एसक्यूएल चाहिए, क्या चाहिए आपको, ठीक है वॉस चाहिए डाल दो, स्टैंडर्ड चाहिए, बेसिक चाहिए, स्टैंडर्ड मशीन, ठीक है। कैटेगरी ऑल इसमें कंप्यूट, आपको GPU चाहिए, GPU मतलब क्या सर, GPU लाइक सर ग्राफिकल, ओके, प्रोसेसिंग यूनिट, यू कैन से दैट सर, इसका मतलब क्या, GPU मतलब क्या, GPU ग्राफिकल क्या मतलब, कि जिसमें ग्राफिक्स बनते हैं ना, जैसे कि लैपटॉप लोगे आप गेमिंग का ना, तो आपको ग्राफिक्स अच्छे चाहिए ना, दिखने वाला बेस्ट, तो वही चीज़ GPU हो गया, राइट? एंड सर मेमोरी ज़्यादा चाहिए मुझे, राइट? मेमोरी क्या करोगे भाई आप सर, मेमोरी में सर हम वो करते हैं चीज़ों को कैलकुलेशन करते हैं, एनालाइज एनालाइज करते हैं चीज़ों को, ठीक है चलो दे दिया आपको सर, कंप्यूटर ज़्यादा चाहिए, क्या करोगे भाई इसका,
असल में देख लॉजिक नोट है हमारे सर, हमारी न्यूक्लियर प्लांट है सर हमारा, उसके अंदर मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन होती है पर सेकेंड्स। सो कंप्यूट मुझे सीपीयू बहुत बढ़िया चाहिए, मस्त मस्त चाहिए सीपीयू, चका चक काम करेगा बिल्कुल। ओके हाई परफॉर्मेंस कंप्यूट चाहिए। तो ये सब देखो इसमें डिफरेंट डिफरेंट यूज़ केस है यार, मैं ऐसा नहीं कहता कि यूज आप केसेस। ओके ठीक है, क्या आप बोलोगे सर मेरे को ऑनलाइन वेबसाइट कंपनी है मेरी, वेबसाइट ना कि मुझे अपना खुद का एक कंपनी है मेरी और खुद का बिजनेस है मेरा, तो उसमें क्या करोगे सर मेरे को, तो बिजनेस पर्पज़ ले लो सर, उसके लिए क्या करोगे आप, मेरे कौन से हाई रैम चाहिए, हाई परफॉर्मेंस चाहिए, हाई स्टोरेज चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बिजनेस पर्पज़ ले लो अपना। ठीक है तो डिफरेंट यूज़ केस सर, जिसमें ज़्यादा ट्रांजेक्शन होती है, ज़्यादा मेमोरी चाहिए, ज़्यादा सीपीयू चाहिए, क्या चाहिए भैया आपको, सब कुछ है इसके अंदर, पैसे भी उस हिसाब से बनते तुम्हारे है ना, वो चीज़ है इसके अंदर। हाँ बस इंस्टेंस कितने चाहिए सर, ये कुछ कैटेगरीज हैं इंस्टेंस के साथ, DSO ये वट एवर, ओके इनका एक कैटेगरी होती है आप देखिएगा। ओके सो ये आपके देखो इसमें पैसे दे रखे हैं 1.658 पर आवर बेसिस। ओके देखिए इसमें कितने पैसे लग रहे हैं इसके अंदर, तो जैसे आप जितना चीज़ लोगे उतना खर्च करना पड़ेगा आपको, सिंपल सी बात यह है। पड़ेगा। ठीक है जैसे ही है, ठीक है जी आप कितनी मशीन चाहिए सर, एक नहीं अपन को पाँच चाहिए मशीन है, पाँच कर दीजिए इसके अंदर पाँच का, यानी कि कितने 730 आवर्स लगेंगे तुम्हारे महीने के, लाइसेंस इंक्लूड होना चाहिए सर इसके अंदर, ऐसा नहीं कि मैं अलग से परचेस करूँ लाइसेंस को, 1 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, वो आपको एक ऑप्शन है, PSG का मॉडल है। अब सिंपल सी बात है सर, इतने पैसे लग रहे हैं मेरे मंथली कॉस्टिंग किसके, 5 सर्वर के। ओके कौन कौन से सर, जिसमें 20 GB तो अपनी रैम है, 0.79 GB कोर्स है, वॉट एवर दो आपकी चीज होंगी इसके अंदर, आप इसको चेंज करोगे तो आपकी कॉस्टिंग चेंज हो जाएगी ऑटोमेटिकली, 39,000 आएगा तुम्हारा राइट। इसमें आप अरे राइट, अगर आपको इसमें कुछ चेंज करना है सर, मेरे को ये स्मॉल डिस्क है सर, आई डोंट लाइक इट सर, SSD चाहिए मुझे सर, SSD ले लो, SSD लोगे तो प्राइस चेंज होगा आपका, कितने चाहिए, 5 चाहिए आपको, हाँ जी 5 चाहिए सर, ओके 5 साढ़े 3 दिया आपको, चलो ठीक सर मेरे को इसमें मज़ा नहीं आया, और बड़ा चाहिए, ये लो जी, तो आप 4,000 तो एक्स्ट्रा आएगा आपका हार्ड डिस्क का लग ऐड हो गया। ठीक है सर मेरे को बैंड ब्रेंड नेटवर्किंग बढ़िया चाहिए सर, बेस्ट इग्रेस चाहिए, बेस्ट रेंडर इंडिया में चाहिए, बेस्ट बेस्ट नेटवर्क मिलेगा आपको, चिंता मत कीजिए, पब्लिक इंटरनेट चाहिए आपको, कितने 5 चाहिए, इसका अलग से पैसा आएगा आपका। तो सपोर्ट चाहिए सर, सपोर्ट नहीं चाहिए मुझे, चाहिए नहीं चाहिए सर, चाहिए वो भी चाहिए, स्टैंडर्ड का चाहिए मुझे, देखो इसका कॉस्टिंग अलग से आएगा। लाइसेंस चाहिए सर आपको, नहीं चाहिए सर लाइसेंस चाहिए, लाइसेंस ऑलरेडी इसके अंदर पार्ट में आ गया तुम्हारा, तो कुल मिलाकर आपका इतनी कॉस्टिंग आएगी, कुल मिला के इंडियन रुपीज़ में 2,88,270 आपका मंथली बेसिस पे आएगा तो अंदर। ठीक यूजेज है इफ यू सर, सर ये मेरे को US भेजना है, या फिर मुझे इसको चाइना भेजना है या जापान भेजना है, चाइना वाले क्या समझेंगे इसको यार, ये तो रुपीज़ में आ गया, हटाओ इसको सर, इसको ऐसा करो जापान में करते हैं, येन में करते हैं इसको, यहाँ येन कर दो इसको, तो वो भी समझ जाएंगे जापान के येन के अंदर क्या आता है भाई। ठीक है तो डिफरेंट करेंसी के अंदर उसको सेट करके ताइवान में भेज सकते हो, ताइवान में चाहिए आपको, ये लो जी इसको एक्सपोर्ट कर लो और भेज दो आगे। सो कुल मिला के ये है कि यार जैसे चीज़ हम काम करते हैं, तो हमें थोड़ा सा बताओ तो होना चाहिए ना यार कि क्या चल रहा है मार्केट में, है क्या कैसे चल कितने नोट पाने, पैसे की व्यवस्था कैसे होनी है, तो आप इतना थोड़ा सा आइडिया लेके दे सकते हो कंपनी को, है चलो भाई ये सब चीज़ें हैं सर, तो ऐसा से करना है इसको। रहा है? ओके ठीक है तो ये आपका हो गया, अब इन चीज़ों को आप देखिए आराम से कंप्लीटली, और मैं आपको फिर करेक्ट करता हूँ नेक्स्ट वीक में, आप इनको थोड़ा सा रिव्यू कीजिए, मैं आपको ये व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ डिटेल्स आपको, आपको बीच में कभी कोई दिक्कत लगे तो आप मुझे पिंग कर सकते हो सर, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, बट प्लीज़ रिव्यू ऑल दोज ओके थिंग्स। ठीक ओके थैंक्स वेरी मच, बाय, टेक केयर, जॉय। रिकॉर्डिंग्स मैं आपको प्रोवाइड थैंक यू कर दूंगा, सर। रिकॉर्डिंग्स मेरे पास, मैं अपलोड कर दूंगा ओके अपने गूगल ड्राइव के अंदर, आपको लिंक भेज दूंगा, आप देख सकते हो रिकॉर्डिंग में। ठीक है सर। थैंक्स अ लॉट। ओके हैव ठीक अ है, बाय नाइस डे सर। बाय।